हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बकरा ईद स्पेशल एक हरी चटनी की रेसिपी जो कि अनारदाने से बनाएंगे। ये जो चटनी रेसिपी है ना, ये हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होती है। आप इस बकरा ईद पर जितना मर्जी चाहें खाएं, साथ में इस चटनी को भी खाएं, तो जो आपका खाना होगा वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए आपको लेना है एक बंच हरा धनिया, आधा बंच पुदीना और जो हरा धनिया है वो डंडी वाले पार्ट के साथ लिया करें। जब भी चटनी बनाएं डंडी वाले पार्ट के साथ बनाएं, इस तरह से खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। साथ में मैंने ले लिए हैं 3 अदद गार्लिक के क्लोव्स छील कर। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 5 अदद हरी मिर्चें, अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर अनारदाना। हाफ लेमन का जूस डालेंगे और ये अच्छा जूसी लेमन है तो हाफ इनफ है। अगर आपके पास लेमन का जूस इतना ज़्यादा ना हो, यानी कि लेमन थोड़े ड्राई हो, तो आपने पूरा 1 लेमन का जूस इसमें ऐड करना है। फिर इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे सॉल्ट, सादा नमक, और 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ठंडा पानी, बिल्कुल चिल वाटर ऐड किया है इसके अंदर मैंने। साथ में कुछ आइस क्यूब्स भी डाले हैं, तकरीबन 3 अदद। अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइट ग्रीन कलर की हमारी चटनी बनकर तैयार है। और ये बहुत अच्छी एक चटनी की रेसिपी है। आप सबसे पहले तो इसका कलर देखें कितना ज़्यादा ब्राइट ग्रीन कलर है। ये एक सीक्रेट टिप है आइस क्यूब्स डालने की या ठंडा पानी डालने की चटनी के अंदर। जब आप इसको ग्राइंड करें तो ठंडा पानी या आइस क्यूब्स ऐड करें, उससे आपकी चटनी का कलर बिल्कुल ब्राइट ग्रीन आएगा। अच्छा, अब आप इस चटनी को स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेटर में ये तकरीबन 15 दिन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 15 दिन के लिए आप इसको बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। और जितना मर्ज़ी चाहें खाएं इस बकरा ईद पर, साथ में इस चटनी के साथ, तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा सारा खाना। तो चलें मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।